students, how are you feeling? I think you are feeling in this season is good. Now we want to discuss some another question of application maxima and minima. Welcome again to AVM online classes. Let me start this important question. The cost of fuel for running a bus is proportional to the square of the speed. जैसे भाई आप एक बस लेते हैं किराए पे, तो कहता है बस ले जा भी किराए पे, कहता है कि दस रुपये पर आवर छोड़ो, यानी कि 100 रुपीज़ पर आवर तो क्या है रनिंग चार्जेज है, यानी कि बस चलेगी तो 100 रुपये एक घंटे के लगेंगे, ठीक है। और अब वो चलेगी तो 100 रुपये है, उसके अलावा अब मान लिया अपने को आप बस ले जाके खड़ी कर दे घर पे, 5 घंटे के लिए खड़ी रही ऐसे ही, तो उसके लिए क्या किया उसने, कहा कि भी 500 रुपये पर आवर फिक्स है, 100 रुपये पर आवर तो रनिंग चार्जेस है और 500 रुपये पर आवर इसके अलावा फिक्स्ड है, यानी कि वो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा यदि बस चलाओ या ना चलाओ। तो मैंने 4 घंटे के लिए बस किराए पे ली तो मेरे को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे भाई, बताओ भाई। मैंने 4 घंटे के लिए बस किराए पे ली तो मेरे को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे भाई, 500 रुपये तो फिक्स है, तो 500 रुपये को 400 रुपये कर देंगे आप कितना है, 2000 रुपये तो फिक्स हो गए, प्लस रनिंग चार्ज कितना है 100 रुपये पर आवर, तो 100 का 400 रुपये तो 400 रुपये हो गए, तो ये कितना हो गया 2400 रुपये हो गए टोटल किराया। तो ऐसे ही हमारे पास ये है पर आवर, लेकिन जब इस क्वेश्चन में हमारे पास है कह रहा है द कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर रनिंग ए बस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड जनरेटेड इन किलोमीटर पर आवर, कि भी एक बस के फ्यूल की कॉस्ट, जैसे मैंने 100 रुपये पर आवर मानना है कि भी फ्यूल की कॉस्ट रनिंग चार्जेस 100 रुपये है, तो इन्होंने कह रखा है भाई एक बस के फ्यूल की कॉस्ट फॉर रनिंग ए बस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, जो उसकी स्पीड होगी ना बस की उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। भाई आप सपोज कर ले द स्पीड ऑफ द बस, स्पीड ऑफ द बस क्या सपोज कर लेते हैं आप एक्स किलोमीटर पर आवर, तो कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट फॉर रनिंग ए बस, फॉर रनिंग ए बस इक्वल टू आप सी वन लेते हैं, तो सी वन क्या है इज प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता भाई किसके भाई, टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, जो स्पीड है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ फ्यूल C1 फॉर रनिंग ए बस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड जनरेटेड इन किलोमीटर पर आवर, यानी पर आवर ये है कॉस्ट, जैसे मैंने 100 रुपये पर आवर माना ना, तो यहाँ पर आवर प्रोपोर्शनल दे रखा है, तो हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है यदि प्रोपोर्शनल हो तो इसको इक्वल साइन बनाए, तो कोई आर्बिट्री कॉस्ट लेते हैं के एक्स स्क्वायर, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन वेयर के इज एनी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, के इज एनी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। अब बेटा अब यहाँ पर के, अब यहाँ पर तो 100 रुपीज़ था, यहाँ पर सी वन इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, अब के भी एक अननोन वैल्यू है, तो अब पहले के की वैल्यू निकालते हैं कैसे भाई, दे रखे उन्होंने इट कॉस्ट रुपीज 48 पर आवर, इसकी कॉस्ट क्या है 48 पर आवर है, यानी सी वन कितना है 48 पर आवर है, कब भाई वैन द बस इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, जब बस की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर हो, यानी के इंटू में 20 का स्क्वायर करो तो 400 हो गया, तो के कितना आ गया 48 अपॉन में 400 कैंसिल करो, 4 1 4 4 2 8 4 1 0 0 0 आ गया
फोर से ट्वेल्व, फोर टू ट्वेंटी फाइव आ गया, के की वैल्यू शिफ्ट कर दो तो सी वन इक्वल टू थ्री बाई ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास जैसे सौ रुपये पर आवर था, इसमें सी वन कितना आ गया थ्री बाई ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर पर आवर, ये कॉस्ट आ गई बस की रनिंग चार्जेस की। यदि एक बस मूव कर रही है तो उसके चार्जेस कितने हैं 325 एक्स स्क्वायर पर आवर, ठीक है भाई। अब लेकिन उन्होंने क्या रखा आगे, जैसे मैंने यहाँ पर 100 पीस माना था ना, तो 100 को 400 में पे किया था, यहाँ पर आके पर आवर इतनी कॉस्ट आ गई सी वन इक्वल टू थ्री बाई फाइव एक्स ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, कि सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड क्या होगी, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड तब होगी जब मोस्ट लेस कॉस्ट होगी, यानी सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल कॉस्ट होगी तो वही तो स्पीड होगी, यानी सबसे कम कॉस्ट लगे, यानी कि हमें लीस्ट कॉस्ट होनी चाहिए, इसका यानी कि लीस्ट का कॉस्ट का डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें। इफ द फिक्स चार्जेस आर रुपीज 108 पर आवर, जबकि फिक्स चार्जेस रखा है, जैसे यहाँ पर फिक्स चार्ज था 500 रुपये पर आवर, यहाँ पर रखा है 108 रुपये पर आवर, ये भी 108 रुपये प्रति घंटा फिक्स है। अब बेटा दिक्कत ये है यहाँ पर तो मैंने 4 घंटे लगाया था टाइम, तो मैंने 4 से पे कर दिया था, 100 इंटू 4 500 इंटू 4 ये आ गया तुम्हारे पास, लेकिन यहाँ पर तो हमें टाइम दे ही रखा भाई कितने घंटे के लिए बस ली, तो आप टाइम यदि आप टाइम सपोज कर लेते हैं कि भाई टाइम वाई सपोज कर लिया तो क्या होगा, वो दूसरा वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा था कि वेरिएबल एक ही होना चाहिए, यहाँ पर एक्स तो वेरिएबल माने रखा हमने और टाइम एक और वेरिएबल हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया कि भाई दो वेरिएबल हो जाएंगे, तो इसलिए हम टाइम सपोज नहीं कर सकते, हम क्या सपोज करेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस फिक्स रहेगा। कैसे भाई, जैसे मान लिया भिवानी से रोहतक 45 किलोमीटर है, लगभग इतना है, अब भिवानी से रोहतक 45 किलोमीटर है तो भिवानी से रोहतक तक बस जाएगी तो क्या होगा, डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा 45 किलोमीटर, टाइम वेरिएबल होगा कि कभी बस एक घंटे पहुँच जाएगी, कभी एक घंटे 5 मिनट में, कभी एक घंटा 10 मिनट में, या कभी 55 मिनट में, क्यों, क्योंकि वो स्पीड पे डिपेंड करेगी या ट्रैफिक पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो स्पीड भी वेरिएबल होगा, यदि बस की स्पीड तेज हो गई तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा, और बस की स्पीड कम हो गई तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम और स्पीड तो वेरिएबल होते हैं लेकिन डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, तो डिस्टेंस को हम सपोज कर लेते हैं और वो क्या करेगा, एज ए कॉन्स्टेंट काम करेगा। तो लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इक्वल टू वाई किलोमीटर बाई, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो वाई अपॉन में एक्स आवर। अब कॉस्ट क्या होगी, जैसे हमने यहाँ पर किया था कॉस्ट निकाली थी, तो 500 को 400 में पे किया था, 100 को भी 400 में पे किया था, 4 आवर क्या था, टाइम था। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको हम वाई बाई एक्स में पे करेंगे, तो सी इक्वल टू कॉस्ट क्या आएगा, 3/25 एक्स स्क्वायर इंटू में वाई बाई एक्स, ये टाइम हो गया, प्लस किया था हमने यहाँ पर फिक्स चार्ज को, हमने 500 गुना में 4, 500 रुपये फिक्स था उसको 400 में पे किया, 100 रुपये को हमने 400 में पे किया और दोनों को ऐड कर दिया। तो ऐसे यहाँ पर ये तो वेरिएबल थी और फिक्स कितना है 108 रुपये, तो 108 को भी हम उससे पे करेंगे, 108 इंटू में वाई बाई एक्स, तो ये आ गया हमारे पास एक एक्स एक्स एक्सेंसिल, तो 3/25 एक्स वाई प्लस 108 वाई बाई एक्स, दैट इज द इक्वेशन थर्ड, ऐड कर दिया फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दिया हमने। अब बेटा आप करो डेरिवेटिव, तो किसकी रिस्पेक्ट करोगे, एक्स की रिस्पेक्ट, क्यों, वाई तो वेरिएबल है, तो डी सी बाई डी एक्स 3/25 वाई माइनस का 108 वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये आ गई फोर्थ क्वेश्चन।
आप फोर एक्सट्रीम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव क्या लोगे आप, जीरो, तो जीरो लीजिए भाई, जीरो ले लेते हैं आप, दिस फोर एक्सट्रीम वैल्यू थ्री बाई 25y माइनस एक 108 अप वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। वाई को हम ले लो क्या है, थ्री बाई 25 माइनस 108 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। वाई तो जीरो होनी चाहिए भाई, क्यों, डिस्टेंस जीरो होगा तो फिर तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा, ये जीरो होगा, थ्री बाई 25 इक्वल टू 108 बटे में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना आ गया 108 इंटू में 25 बाई 3, कैंसिल करो भाई, 3 वन जा 3, 3 जा 9, 3 जा 18, तो एक्स स्क्वायर कितना आया 36 का रूट 6, 25 का रूट 5, तो 30 आ गया भाई। तो ये आ गई मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अभी ये स्पीड तो आ गई, लेकिन हमें ये निकालना कि ये मोस्ट इकोनॉमिकल है कि नहीं। तो मोस्ट इकोनॉमिकल तभी होगा जब आप इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो डबल डेरिवेटिव निकालो भाई, डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो की वाई तो कॉन्स्टेंट है, और इसका लोगे कितना आएगा हमारे पास, ये माइनस टू है तो प्लस का हो जाएगा 108 इंटू टू इंटू वाई बाई एक्स क्यूब। अब ये क्या गया, ग्रेटर देन जीरो आ गया, एक्स वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, तो ग्रेटर देन जीरो आ गया तो डबल डेरिवेटिव, ग्रेटर देन जीरो आ गया तो क्या होगा, इट इज़ ए मिनिमम, मिनिमम मतलब लीस्ट कॉस्ट। तो इतना कर लोगे, हो गया अपना, राइट डाउन कर लो। लेट मी स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। ए सिलेंडर इज क्लोज्ड एट बोथ एंड, कि भी एक सिलेंडर है जो बोथ एंड से क्लोज्ड है, जैसे ये सिलेंडर ले लिया हमने और ये बोथ एंड से क्या है, क्लोज्ड, ये बोथ एंड से क्या है, क्लोज्ड। इट्स वॉल्यूम इज 10 क्यूबिक इंचेस, इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 10 क्यूबिक इंचेस दे रखा है, यानी कि गिवन है आपको फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द बेस रेडियस, रेडियस निकाली कब भाई, व्हेन टोटल एक्सटर्नल सरफेस एरिया इज लीस्ट, जब इसका सरफेस एरिया क्या हो, लीस्ट हो, तो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच, ये हो गया भाई, ये लिस्ट होना चाहिए, तो s इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच आ गया भाई, ये लिस्ट है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया लिस्ट है तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, आप अब डेरिवेटिव करेंगे कर दे भाई, लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल हैं r और h, तो आप h को आप इसके जरिए चेंज करेंगे, तो s इक्वल कितना देगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू में h से ली दो, क्या लिखोगे, 10 बाई पाई आर स्क्वायर, तो फिर पाई से पाई कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, तो कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 20 बाई आर। अब इसको डेरिवेटिव कर लो ऐसे, तो क्या आएगा, डी एस बाई डी आर कितना आएगा, 4 पाई आर माइनस का कितना आएगा, 20 बाई आर स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करो तो 4 एक्सट्रीम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो लोगे तो 4 पाई आर माइनस 20 आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो 4 पाई आर इक्वल 20 बाई आर स्क्वायर। यहां से सॉल्व करो तो आर क्यूब इक्वल टू 20 बाई 4 पाई, 4 5 से 20, तो ये आ गया आर इक्वल टू 5 बाई पाई की पावर क्यूब रूट, ये आ गया। अब हमें ये प्रूव करना है क्या भाई, कि टोटल सरफेस एरिया इसका लिस्ट होना चाहिए, तो लिस्ट के लिए क्या करोगे, इसका डबल डेरिवेटिव करोगे, और लिस्ट के लिए क्या होगा, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो प्रूव कर दोगे, ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव करो भाई, डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर कितना आएगा, 4 पाई आर है,
आप 4πr का रेडी करोगे कितना आएगा 4π, और माइनस का करोगे कितना आएगा प्लस 4t/r³। यहाँ के हमारे पास अब ये दैट इज द पॉजिटिव, क्योंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव है ही है, सोल्व नहीं करना हमने, पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन जीरो हो गया, देयरफॉर इट इज क्या हो गया लीस्ट। ठीक है, तो एक बार इसको राइट डाउन कर लो, फिर अब भी करवाता हूँ। अब अगला देखो, नेक्स्ट देखो बेटा, शो दैट ए राइट स्क्वायर सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम। एक राइट स्क्वायर सिलेंडर है बेटा, जैसे इसमें था, ऑफ गिवन वॉल्यूम, जैसे इसमें वॉल्यूम दे रखा था 10, यहां पर वॉल्यूम हमें सपोज कर लो जैसे v=πr²h, तो v इज गिवन, v की वैल्यू यहां पर तो 10 दे रखी थी, यहां पर 10 नहीं दे रखी। ठीक है, तो ये यानी कि अपने को h का यूज होगा आगे, तो h इक्वल कितना आएगा v/πr² यह देगा। फिर ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला है, यहां पर दोनों तरफ बंद था, यहां पर ऊपर से क्या है खुला है, हैज मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया। अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा भाई, यहां पर तो 2πr² + 2πh था, 2πr² तो कर्व सरफेस एरिया था भाई, प्लस 2πr² जब था ये 1πr² + 1πr² दोनों तरफ से बंद था, लेकिन यहां पर तो एक तरफ से बंद है और एक तरफ से खुला है, ये बंद है और ये खुला है भाई, तो यहाँ पर एक ही πr² आएगा, ये आ गया। अब ये मिनिमम होना चाहिए, तो डेरिवेटिव कर दो भाई इसका, ds/dr कितना आएगा 2πrh है, लेकिन बेटा यहाँ पर h की वैल्यू करनी पड़ेगी, तो s=2πr × h से रख दो v/h से रख दो भाई v/πr²
वॉल्यूम निकालना है, वो भी कौन सा ग्रेटेस्ट, और वो कौन बना कैसे, दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द रेवोल्यूशन अबाउट द साइड ऑफ राइट एंगल ऑफ हाइपोटेन्यूज 1 फीट। भाई जैसे एक राइट एंगल है ये, इसका हाइपोटेन्यूज 1 फीट दे रखा है, इधर का हाइपोटेन्यूज 1 फीट दे रखा है। अब बेटा यहाँ पर इसको हमने जैसे ये ट्रायंगल दे रखी है, ये कह रहे रिवोल्यूशन करो यानी कि घुमाओ, कैसे भाई, राइट एंगल साइड से। राइट एंगल साइड कौन सी होगी, या तो ये होगी या ऐसे होगी, तो या तो आप इसको ऐसे रिमूव करोगे ऐसे, यानी कि ये रिमूव होके ऐसे आ जाएगी, ये आ गई, यह हाइपोटेन्यूज हो गया 1 फीट, और ये क्या कहलाएगा, रेडियस जो इस तरफ है इस तरफ रिमूव हो गया भाई ऐसे रिमूव हो गया बेटा, सिलेंडर ऐसे कोण बन गया, क्या ऐसे बनाया आप, ये कोण बन जाएगा ऐसे हमारे पास ऐसे रिमूव करके, तो ये बाय टू डायमेंशनल फिगर ऐसे मास्ता हूँ मैं, रिमूव हो गया भाई, कोण बन गया ये, तो ये रेडियस होगी और हाइट ये हो गई। आप कह रहे हैं इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोण का, 1/3 πr²h। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन होगी, क्या आप इसका डायरेक्ट करते नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर r और h दो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होना चाहिए एक ही, तो या तो r को h में कन्वर्ट कीजिए या h को r में, तो आप r स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, लिखते हैं v=1/3 πr² का लिखता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर भाई, अरे आर स्क्वायर बाय पाथ एच, 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ से r स्क्वायर इक्वल निकाल लिया हमने, तो 1 का स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू में h, अब डायरेक्ट इक्वल, तो भाई v=1/3 π तो कॉन्स्टेंट रहेगा, h 1 का स्क्वायर 1 इंटू h माइनस h का क्यूब, आप डायरेक्ट कर लो इसको, कर लोगे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ क्लोज क्यूबाइड, एक क्लोज क्यूबाइड है, एक क्यूबाइड है क्लोज्ड विद स्क्वायर बेस, इसका बेस क्या है स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर है, ये क्लोज क्यूबाइड है, इसका बेस क्या है स्क्वायर, यो बेस क्या है स्क्वायर, एंड गिवन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या है गिवन, तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूबाइड का, स्क्वायर बेस है, लेंथ एक्स तो ब्रेथ भी एक्स, हाइट एच होगी, तो वॉल्यूम गिवन है, तो क्या होता है एल इंटू बी इंटू में एच, तो एल कितना है हमारे पास एक्स, बी भी एक्स, हाइट एच, तो ये गिवन है, और h का यूज होता है हमारे पास, तो v अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू h आ गया भाई, ये हमें गिवन है, गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम, क्या इसका सरफेस एरिया इज मिनिमम होगा, सरफेस एरिया क्या होगा इसका, कल हमने पढ़ाया था क्या होता है 2lb + bh + lh, ये मिनिमम होगा, यानी इसका डेरिवेटिव करना हमने को, तो h इक्वल टू 2, l कितना है x, बी बी एक्स, तो एक्स स्क्वेयर, इसको करोगे तो एक्स एच प्लस एक्स एच 2xh आ गया भाई, तो ये आ गया 2x² + 2^4xh आ गया, ये मिनिमम है, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करें तो, लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल है x और h, तो वेरिएबल क्या होना चाहिए एक ही, तो आप क्या करेंगे h को x में कन्वर्ट कर लो, कैसे, यहाँ पर v अपॉन में एक्स स्क्वेयर दो, तो x इक्वल टू 2x² + 4x इंटू में एच कर दो v अपॉन में एक्स स्क्वेयर, यहाँ से तो एक एक्स एक्स कैंसिल, तो 2x² + 4v अपॉन एक्स, आप डायरेक्टिव कर दो इसको, कर दोगे इसको तो डायरेक्टिव करो कितना आएगा dx अपॉन में dx, कितना आ गया 4x माइनस का 4v अपॉन में एक्स स्क्वेयर, ये 4 है भाई, आप सोल्व कर लो इसको, फर्स्ट डायरेक्टिव 0 कर लो भाई इतना, ठीक है।
तो यहाँ पर ये कर लो, इतना राइट डाउन कर लो। नाउ लेट मी स्टार्ट अदर क्वेश्चन। शो दैट द राइट स्क्वायर कोण ऑफ लीस्ट कर सरफेस एरिया। एक राइट स्क्वायर कोण है, उसका कर्व सरफेस एरिया लीस्ट है भाई। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका, पाई आर एल, वो लिस्ट है। यानी कि हमने इसका डेरिवेटिव करना है पाई आर एल। लेकिन डेरिवेटिव करें तो क्या करें, कैसे करें, यहाँ पर आर और एल दो वेरिएबल है, या तो एल को आर में चेंज कीजिए या आर को एल में। इसको चेंज करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे भाई। एंड गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको गिवन है। अब इसके हेल्प क्या रखा है, हैज एल्टीट्यूड, इसका जो एल्टीट्यूड है एच इज इक्वल टू द रूट टू टाइम द रेडियस ऑफ बेस। ये प्रूव करना है एच इक्वल टू रूट टू आर। ये कह रहा है इसका कर्व सरफेस एरिया लीस्ट है, कब भाई, जब वॉल्यूम गिवन हो और ये हमें हाइट इक्वल टू रूट टू आर हो, ये प्रूव करना पड़ेगा हमें। तो देखो बेटा कर्व सरफेस एरिया लीस्ट है, इसका डेरिवेटिव करना भाई। तो यहाँ पर आर और एल दो वेरिएबल है, तो आप एल को आर में चेंज करो या आर को एल में चेंज करो। यदि आप वी के जरिए चेंज करना है तो यहाँ पर तो एक और है आगे वेरिएबल एच। तो आप पहले क्या करते हैं, एल को चेंज करते हैं, सी इक्वल टू पाई आर, एल को क्या लिखते हैं आप, आर, ये आर, ये एच, ये एल, तो इसको लिखते आप रूट एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर भाई। रूट आ गया और मल्टीप्लाई में तो स्केयरिंग कर दो, सी स्केयर कितना आ गया, पाई स्केयर आर स्केयर इंटू में एच स्केयर प्लस आर स्केयर। अब यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, या तो आर स्केयर की निकाल लो या एच की निकाल लो, आपकी चॉइस है। एच की निकालोगे तो एक बार पुट करनी पड़ेगी, और आर की निकालोगे तो दो बार पुट करनी पड़ेगी, आपकी चॉइस है भाई। ठीक है, तो हमने आर स्केयर की निकाल रहे हैं हम, तो आर स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, सी स्केयर पाई स्केयर, और आर स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, कितने आगे भाई, इसके आगे हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू 3V upon pi h भाई, 3V upon pi h पुट कर रहा हूँ भाई मैं, तो 3V upon pi h इंटू में एच स्क्वायर प्लस 3V upon pi h ये आ गया भाई। अब पाई स्क्वायर 3V upon pi तो कॉन्स्टेंट है, एक पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 3πV upon में एच अंदर ले गए तो ये एच एच कैंसिल, एच आ गया, इसके अंदर ले गए 3V upon pi h² हो गया भाई। अब करो इसको डेरिवेटिव करो तो dc² upon dh आ गया, तो 3πV तो कॉन्स्टेंट है, पड़ा रहेगा, एच का डेरिवेटिव 1, और इसका करोगे कितना है, एच की पावर -2 है, तो ये अंदर ले जाओगे तो -6V upon pi h³। अरे एच की पावर -2 है ना, इसका डेरिवेटिव करो तो -2h³ - 3 -2 upon h³ आएगा। तो हमने यहाँ पर ये कर दिया -6h³ 4xt वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव 0, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो गए तो 3πV और 1 - 6V upon pi h³ इक्वल 0 को भाई, तो 0 को गए तो ये 0 हो नहीं सकता, तो 1 = 6V upon pi h³। यहाँ करो πh³ = 6V। अब हमने प्रूव क्या करना है, h इक्वल टू रूट टू आर, तो यहाँ पर क्या रखोगे, v की वैल्यू पुट कर दो, तो πh³ = 6। v कितना है, πr² h, तो पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो एच स्क्वेयर कितना आ गया, 6R² यहाँ हमारे पास। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करो भाई, यहाँ कहीं गलती तो नहीं की हमने, R² 1/3 3V upon pi h। ठीक है, यह आ गया R² की वैल्यू, हमने पाई R² h² + R² h² और R² की वैल्यू 3V upon pi h,
थ्री पाई बी तो कॉन्स्टेंट रख दिया, एच स्क्वायर है एक एच कैंसिल आउट, और इसको अंदर ले गए आप थ्री वी पाई एच स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है इतना तो। लेकिन यहाँ पर आंसर तो नहीं मिला हमारा कि भाई हमें प्रूव करना है एच इक्वल टू रूट टू टाइम द रेडियस ऑफ द बेस। एक देखिए बेटा, आपने यहाँ गलती कर दी, वी का वैल्यू क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर से, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो 3 × 2 = 6, यह आ गया पास 2r², तो एच इक्वल टू रूट टू आर, यह आ गया। और हमने इसका प्रूव क्या करना है कि कर्व से रियल लिस्ट है, तो लिस्ट के लिए क्या करें आप इसका भाई, करो भाई इसका लिस्ट, लिस्ट के लिए डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, लेस देन 0, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव निकालोगे इसका, लिस्ट सॉरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर करोगे ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो वो लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना कर लो आप, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।